नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सूजी और मलाई से लड्डू बनाएंगे। तो ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाते हैं बनकर, और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, और घर के बहुत ही इजीली अवेलेबल सामान से ये बन जाएंगे। तो आइए बनाते हैं इन्हें हम। तो देखिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले एक मोटे तले की कढ़ाई ली है, आप नॉन स्टिक की कढ़ाई भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने 1/4 कप घी डाला है। घी को हल्का गर्म होने पर देखिए, एक बड़ी चम्मच हमें यहाँ बेसन डालना है, और इसे हम सिर्फ 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की खुशबू आने तक। और देखिए, मैंने यहाँ 1 कप सूजी डाली है, आप चाहें तो इन्हें आप कटोरी से भी ले सकते हैं। और इसे मीडियम फ्लेम पर हमें 4 से 5 मिनट तक भूनना है, सिर्फ 4 से 5 मिनट और मीडियम फ्लेम। तो ध्यान रखिए इसका कलर ज़्यादा ना बदले। 4 से 5 मिनट के बाद देखिए, मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा डाला है। इसे भी अब हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, ताकि थोड़े नारियल से खुशबू आने लगे और वो भुन जाए। इसके बाद देखिए, मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, काजू है, बादाम है और किशमिश है, इन्हें बारीक काट लिया है। इन्हें हम भूनेंगे तो सूजी के साथ भुन जाएगी। और अब देखिए, यहाँ 1/4 कप थोड़ा सा दूध और फ्रेश मलाई का मिक्सचर आपको लेना है, वो इसमें हम डालेंगे। थोड़ी सी मलाई और दूध आपको लगे ड्राई है तो आप और डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे, और यहाँ हम गैस बंद कर देंगे। तो टोटल इसमें हमें 10 मिनट लगे हैं और गैस बंद कर दिए हमने। अब यहाँ आधा कटोरी या आधा कप हम पिसी हुई चीनी डालेंगे, जिस भी कप या कटोरी से आपने नाप कर लिया है, और इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो देखिए, गैस हम बंद कर चुके हैं यहाँ, तो इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम ढक कर रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी अच्छे से मलाई को सबको सोक कर ले, सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, इसे हम इजीली फिर लड्डू बना पाएंगे। तो देखिए, 10 मिनट हो गए हैं और इसे अच्छे से मिला लीजिए, अभी लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखिए, बहुत इजीली ये लड्डू बन जाएंगे, और इसमें हमें हाथों पर घी वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसी ने इतना घी छोड़ दिया है मलाई की वजह से। तो इस तरह से आप इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए, साइज छोटे बड़े आप कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं इससे, और बहुत इजीली बन गए हैं, बहुत कम समय वाली रेसिपी है ये, और ये लड्डू कई दिन ख़राब भी नहीं होंगे। तो आप इस रेसिपी को बनाइए, घर में आसानी से उपलब्ध सामान से ये बन जाएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।